नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है तो उसके लिए हम क्या मैटर लिखें, क्या हम ग्रीवेंस डालें जिसके द्वारा हमारा अकाउंट ठीक हो जाए। दोस्तों ईपीएफ की तरफ से ही खुद बताया गया कि आपको ग्रीवेंस डालना होगा, तो ग्रीवेंस ही एकमात्र अभी तक के लिए एक सहारा है कि आप ग्रीवेंस डालेंगे तो उसी के द्वारा आपका अकाउंट ठीक होगा। तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि आपका जो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है उसके मेन कारण दो निकल के आए। पहला था हमारा केवाईसी, आपने थर्ड पर्सन से केवाईसी करवा ली, कुछ करेक्शन करवा लिया, मतलब आपके यूएन में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरी थी आपकी AYRY योजना के अंतर्गत आपका एम्प्लॉयर ने रजिस्ट्रेशन कर देना। तो फिलहाल हमें ग्रीवेंस डाल देंगे तो ग्रीवेंस से आपको इंश्योर हो जाएगा कि आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे कि आपको क्या मैटर लिखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और आपका अकाउंट में क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हम अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो यार जरूर कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपका कोई भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने टाइप करना होगा EPFO ग्रीवेंस। इसको आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने इस टाइप का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी, रजिस्टर ग्रीवेंस करके आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दिखता होगा रजिस्टर्ड, सेंडर रिमाइंडर, व्यू स्टेटस। आपको क्या करना होगा, अभी हमको ग्रीवेंस को रजिस्टर करना है तो इसी ऑप्शन पर हमको क्लिक रहने देना होगा। देन जब हमारा ग्रीवेंस लग जाएगा तो हमको इसका स्टेटस चेक करना होगा कि भाई हमारा क्या स्टेटस आया, क्या रिप्लाई आया। तो ध्यान रखना है आपको जो व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी एक रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस नंबर जनरेट हो जाता है, उस नंबर को डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे और आपका स्टेटस दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। वो होगी लास्ट की प्रोसेस, ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे स्टेटस में ये है कि भैया आप कौन है, पीएफ मेंबर है, ईएसआई पेंशन है, एम्प्लॉयर है या अदर है। अगर आप एचआर है तो इस ऑप्शन से क्लिक कर लेंगे, आप एचआर के द्वारा ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे, पेंशनर है कोई पेंशन की वजह से आप ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आप पीएफ मेंबर हैं तो इससे सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब ग्रीवेंस की आप कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब क्या है, तो हम फिलहाल पीएफ मेंबर हैं, कर्मचारी हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा डू यू हैव क्लेम आईडी, क्या आपके पास क्लेम आईडी है। अब ये क्लेम आईडी क्या होती है, आपने कभी ग्रीवेंस डाला है पहले तो आपसे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, भाई हमको नहीं पता है, हमारा जवाब नहीं मिला, हमको उसको सेटिस्फाइड नहीं हुए, उसी क्लेम आईडी के द्वारा दोबारा से उसको जनरेट करना चाहते हैं, दोबारा से क्लेम करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको दोबारा से अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिल करना होगा, डिटेल मिल जाएगी। मगर भाई हम पहली बार ग्रीवेंस डाल रहे हैं, फ्रेश ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो हमको नो ऑप्शन पर चूज करना होगा। ध्यान रखना है ऑप्शन के बारे में, यहाँ पे क्या होगा आपका नॉर्मल सी चीज है, अपना यूएन नंबर डालना होगा, आपको यहाँ पे जो कैप्चा हो रहा है ये कैप्चा डाल देंगे और ये डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके यूएन की डिटेल दिख जाएंगे यहाँ पे कि आपका यूएन नंबर ये है, आपके इससे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो ये है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड से जो नंबर लगा हुआ है आपका ये मोबाइल नंबर है, आपका अगर मोबाइल नंबर ठीक है, इस पे रिचार्ज है, इस पे ओटीपी जाएगा तो आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर लें। अगर आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं है या आपने कोई दूसरी सिम में अभी कॉलिंग चल रही है, कुछ भी प्रोसेस चल रही है, तो आपको पहले वो नंबर फ्री करना होगा जिससे ओटीपी प्रोसेस जा पाए, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा या फिर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा, किसी पे ओटीपी गया होगा, आपको ओटीपी यहाँ फिल करना होगा और आपके पास सबमिट ऑप्शन पर फिर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको वीडियो में बताएंगे कि आपको भी मैटर कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, बहुत इजी वे में बताएंगे, हर बंदा लिख सकता है। आज के टाइम पर अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है ना तो वो खाली बोल देगा और मैटर लिख जाएगा। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा, कहाँ से मिलेगा वो आपको बताएंगे, तो वीडियो में बनेगी लास्ट तक और आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया है, लिखा आएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी, बड़ी चीज नहीं है, कुछ नहीं, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन से जेंडर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस और कम्युनिकेशन, आपसे कम्युनिकेट किया जाए किसी माध्यम से तो आपका एड्रेस डाल दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आधार कार्ड नंबर पड़ा है, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस पड़ा है वही फिल करना है, आप कोई भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी तो नहीं है, देखो आपको कोई ऐसा नहीं लगा, मगर आपको एड्रेस यहाँ फिल करना चाहिए, ठीक। आपका जेंडर सेट कर लेंगे, नीचे आपका कंट्री चूज कर लेंगे, आपका स्टेट चूज कर लेंगे, उल्टा एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना स्टेट चुनना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद आपको जो इंडिया, तो इंडिया सेलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो, तो वो आपको यहाँ फिल करना होगा। पहला आपको मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक था वो तो आपको दिखेगा ही, दूसरा मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके पास ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिखा है आपको फिल करना होगा। नीचे आपके सामने दिखता होगा सेलेक्ट पीएफ मेंबर आईडी फॉर ग्रीवेंस रजिस्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आपकी इसमें से कौन सी मेंबर आईडी है जिसमें आपको ग्रीवेंस डालना है। दोस्तों यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत से फ्रेंड्स को यही नहीं पता होता कि हमको कौन सी मेंबर आईडी सेलेक्ट करें,
क्योंकि दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि आपका ग्रीवेंस डाल रहे हैं डिसेबल्ड अकाउंट हुआ है तो किस मेंबर आईडी से हुआ है। आपकी मेंबर आईडी ये ध्यान रखिए कि लास्ट मेंबर आईडी कौन सी थी। लास्ट मेंबर आईडी से मतलब होता है कि आपकी लास्ट वाली जो कंपनी थी वो कौन सी है, उस कंपनी की मेंबर आईडी कौन सी है। क्योंकि होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल मान लो आप कोई भी रैंडमली मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, मान लो आपकी तीन कंपनियां हैं और आपने पहली मेंबर आईडी सिलेक्ट कर ली तो आपको पहली में तो डिसेबल्ड हुआ ही नहीं है, दूसरे में सिलेक्ट कर लेंगे दूसरे से नहीं हुआ, तीसरे से इसलिए हुआ होगा क्योंकि लास्ट कंपनी थी, लास्ट कंपनी से हमेशा डिसेबल्ड हुआ होगा, उसके बाद तो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ ही नहीं, तो चौथी कंपनी की एंट्री तो नहीं हो पाई होगी, ठीक है। तो आपको अगर आइडिया है कि यार ये मेरी मेंबर आईडी ऐसी है जो मेरी मर्जी के बिना बना दी गई, तो केवाईसी में क्या हुआ था, यही हुआ था कि आपकी विदाउट परमिशन मेंबर आईडी बना दी, आपका केवाईसी अप्रूव कर दी, आपकी कोई करेक्शन कर दिया, ये डिटेल ऐड कर दी गई और मेंबर आईडी के द्वारा वो डिसेबल्ड कर दी गई। मेन कारण यही था कि आपकी नॉलेज के बिना ये मेंबर आईडी थी यही क्रिएट कर दी गई। जैसे एग्जांपल मान लो आपका अकाउंट एसबीआई में अकाउंट खुला हुआ है, आप पीएनबी को सिलेक्ट कर लेंगे, पीएनबी में पूछे जाके भी मेरा बैलेंस कितना नहीं बता पाएंगे ना पीएनबी वाले की भी मेरे में क्या बैलेंस है, आपको एसबीआई के पास जाना होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे कि भी इनके मेंबर आईडी है तो उनके अपने अपने जो पीएफ ऑफिस है वो अलग अलग है, आप एग्जैक्ट पीएफ ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे तो उन्हीं के पास ग्रीवेंस जाएगा, आपका सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेरी वीडियो को रोक के आपको ये जानकारी दी, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो जाती है, थोड़ी वीडियो में जानकारी मिलती है मगर आपको जो जानकारी मिलेगी ना वो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, किसी के पास ऐसी जानकारी नहीं मिलती जो एक एक डाउट आपका क्लियर कर पाए। तो ये डाउट क्लियर होते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप स्किप करके मत देखिए, थोड़ा वीडियो में पेशेंस रखिए। आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है, कोई जानकारी आपको मिल रही है तो वीडियो में पेशेंस के साथ देखिए, आपको बहुत जानकारी अच्छी मिलेगी, आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। और दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट बात रहेगी जो आपको बतानी थी, अगर मान लो आपको ये नहीं पता कि यार मेरी मेंबर आईडी कौन सी है, अननोन मेंबर आईडी कोई आईडिया नहीं है, तो फिर आपको जो थोड़ी थर्ड पार्टी मेंबर आईडी लगती हो या फिर कोई भी आप रैंडमली चुन कर लेंगे तो फिर आपको दो प्रोसेस करनी होगी। अगर आप रैंडमली चुन लेते हैं तो आपकी अगर एग्जैक्ट मेंबर आईडी मैच नहीं करेगी तो आपको पीएफ ऑफिस वाले एक बार मैसेज करेंगे कि भाई मेंबर आईडी ये वाली मेंबर आईडी थी, ये अननोन मेंबर आईडी है, अनसिक्योरिटी मेंबर आईडी है, इसी के द्वारा आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है, तो आपको उस मेंबर आईडी के रिगार्डिंग हो सकता है दोबारा से ग्रीवेंस के लिए मांगे वो। तो फिलहाल हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेंबर आईडी आपकी कौन सी है। जैसे आप मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन होकर जाएगी, यहाँ पे होगा पीएफ ऑफिस एम्प्लायर ईडीएलआई अदर, मतलब आपका ग्रीवेंस का टाइप क्या है। तो पीएफ ऑफिस को भेज रहे हैं अभी, किसी और के पास नहीं भेज रहे, एम्प्लायर के खिलाफ नहीं भेज रहे, पीएफ ऑफिस को भेज रहे हैं, ये सेलेक्ट करेंगे। ये होगा ग्रीवेंस कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी सुननी होगी, यहाँ पे आपका फाइनल सेटलमेंट होगा, नो ट्रांसफर अकाउंट में होगा, मतलब केवाईसी रिलेटेड होगा, मतलब इसके द्वारा आप कोई भी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ये कॉमन वीडियो हो जाएगी, किसी टाइप का आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, पीएफ में प्रॉब्लम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, केवाईसी प्रॉब्लम है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, पासबुक को इश्यू है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमारा अकाउंट डिसेबल्ड है तो हमको नीचे ऑप्शन आता होगा, बहुत से मोस्टली फ्रेंड को पता हो चुका है क्या है कि ब्लॉक यूएन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैटर लिखना होगा, ठीक है, मैटर लिखने के लिए क्या करना होगा, अब आपको थोड़ा मैं एक हिंट देता हूँ कि मैटर आप लिखेंगे कैसे, ठीक। आपको क्या करना होगा, आपको अपना व्हाट्सएप ऑन करना होगा। जैसे आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे आपके सामने एक फीचर दिखता होगा मेटा एआई, आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको नहीं पता कि क्या मैटर लिखना था, तो अगर यहाँ पे लिख देंगे ना कि मेरा अकाउंट डिसेबल है, यहाँ मैंने लिख दिया कि मेरा अकाउंट डिसेबल्ड है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे, आप ये इसको कमांड देंगे और जैसे ही आप इसको कमांड देंगे ना तो देखना आप बिल्कुल चुटकियों में आपके पास ये मैटर लिख के भेज देगा। देखो मैटर लिख रहा है ना, तो आपको ये मैटर लिखवा देगा, ठीक है। तो उसी टाइप से मैंने मैटर यहाँ से लिख दिया, आपको करना क्या होगा मैं आपको एक सैंपल भी बता दूंगा कि आपको लिखना क्या है। मैंने आपको बता दिया आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप के इस मेटा एआई का यूज करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी लिखवा सकते हैं, बोल के लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैटर पहले ही टाइप कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सर मेरा यूएन नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मेरा किसी थर्ड पार्टी मेंबर आईडी की एंट्री हो चुकी है जिसका मुझे शायद ये नहीं पता कि जिसके मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ है, अपने पीएफ खाते में पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ जिसकी मुझे बहुत सख्त आवश्यकता है, ईपीएफ कार्यालय के मैंने संपर्क किया लेकिन समस्या अभी तक बनी हुई है, मेरे यूएन अकाउंट को अनेबल नहीं किया गया है, मेरे पीएफ खाते की लेन देन की प्रक्रिया सुचारू कर सकूं इसके लिए मेरा अकाउंट दोबारा से खोल दिया जाए। आपका इस टाइप का मैटर लिखेंगे, आप हिंदी में लिखा, यहाँ पे आप ट्रांसलेट को सिलेक्ट करेंगे, अपना मैटर को हिंदी में यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आपका मैटर टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट होते ही यहाँ पे आपके सामने कॉपी का ऑप्शन होगा, इसको कॉपी कर लेंगे और ये मैटर आपका हो गया तैयार। ये मैटर तैयार हो गया, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आके आपको ये पेस्ट कर देना है। जैसे आप मैटर ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका अल्फा न्यूमेरिकल कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कामा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सारा मैटर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे चूज फाइल पर फाइल अपलोड करनी होगी, और फाइल क्या अपलोड करनी है, जिनके केवाईसी के रिलेटेड अकाउंट डिसेबल्ड हुए हैं तो उनको तीन डॉक्यूमेंट तो लगाने ही जरूरी है। वैसे तो जो पीएफ की तरफ से बताए गए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें क्या है, आपकी सैलरी स्लिप है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर है, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपका रिजाइनेशन लेटर है,
आपके कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेटर है उनको आप लगा सकते हैं, मगर ये इतनी फाइल यहाँ पे लंबी नहीं लग पाएगी क्योंकि जो पेपर साइज होता है वो बहुत कम होता है। इसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको पीएफ ऑफिस पर्सनली विजिट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लेके, मगर कम से कम डॉक्यूमेंट्स में आपका काम चलेगा। इसलिए हम आपको तीन डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं, पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है आपकी बैंक की पासबुक, और हो सके तो आप 10th मार्कशीट हो तो वो आप चारों डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में लगा के एक साइड में उसको आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का क्या मतलब है, आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर आता है डॉक स्कैनर करके मोबाइल में, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसी में आप फोटो ले लेंगे और उसी में एक ही बार में आप फोटो को कन्वर्ट कर लेंगे। आपकी फाइल ज्यादा बड़ी हुई होगी कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में आपके तीन चारों फोटो ले लेंगे, फोटो को खुद ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसका मैंने आपको लोगो लगा दिया, इस टाइप का एक लोगो आपको मिल जाएगा एप्स के बारे में, यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो चूज फाइल क्लिक करके अपनी फाइल को लगा देंगे। यहाँ पे कह रहा है प्लीज सिलेक्ट वैलिड फाइल नेम। वैलिड फाइल नेम का मतलब क्या है कि आपके उसको स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए, गिनती नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, खाली अपना नाम लिख दीजिए विदाउट स्पेस, मान लो किसी के नाम मोहन है तो मोहन लिख दीजिए, बात खत्म, उसमें आपकी फाइल अटैच हो जाएगी। आपकी ये फाइल अपलोड हो चुकी है, ध्यान रखना है किसमें होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, आपका मैटर सारा लिख चुका है। अब आपको अटैच ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो फाइल लगाई आपकी अटैच हो जाएगी इसके साथ। तो जैसे ही फाइल आपकी अटैच हो जाएगी आपको लिख के आ जाएगा कि जो आपकी फाइल है वो 230 KB में, मतलब ये 300-400 KB के आसपास आपकी फाइल होनी चाहिए। आपकी अगर गलती हो चुकी है तो रिमूव कर सकते हैं, गाली हमको हो चुकी है। अब उनको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। जैसे आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल ये दिखा देगा। अगर दोस्तों आपसे कुछ गलती हो चुकी है फॉर्म भरते टाइम तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, लिखा है नोट फॉर अपडेशन फॉर डिटेल्स को आई वो प्लीज क्लिक हियर। अगर आपको जो डिटेल आपने भरी है इसमें कुछ भी आपकी गलती हो गई है, ठीक है, आपसे आपको ध्यान नहीं था फॉर्म भरते टाइम, आप क्लिक यहाँ करेंगे आपके द्वारा से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक, उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना होगा, आपकी अगर सारी चीज ठीक है तो आपको फिर यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे आपके पीएफ ऑफिस के पास ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी ग्रीवेंस की। अब बहुत से फ्रेंड्स का ये डाउट होगा कि भाई कितने दिन के बाद हमारा यूएन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल उससे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास इस टाइप का एक रजिस्टर्ड नंबर दे दिया जाएगा जो आपका ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसको आपको नोट कर लेंगे, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के द्वारा आपकी डिटेल ट्रेस होगी कि आपकी क्लेम का क्या स्टेटस रहा, आपके ग्रीवेंस का क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, जिसको आप फोटो खींचते हुए लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपका ये ग्रीवेंस जा चुका है आपके पीएफ ऑफिस के। दोस्तों वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लग रही है, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करना ना भूलिए। अब आपको करना क्या होगा, इसका आपको स्टेटस चेक करना होगा, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको व्यू स्टेटस, आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आपका जो अभी नंबर दिखा है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ फिल करेंगे। आपके मोबाइल नंबर कौन सा था जो आधार कार्ड से लिंक था उसको आप यहाँ फिल करना होगा, जो कैप्चा फिल करेंगे और आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि आपने डाला, आपने कब फॉर्म अप्लाई किया। दोस्तों ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपको यहाँ थोड़ी जानकारी और मिलेगी, 2 मिनट का टाइम दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट होगी तो आपने किस दिन ग्रीवेंस डाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो करंट स्टेटस है वो रिसीव द ग्रीवेंस, आपका जो ग्रीवेंस है वो रिसीव कर लिया गया है। अब आपको क्या होगा, प्रेजेंट डील वाई, मतलब कौन आपके जो केस को है वो देख रहा है, उसका नाम क्या है, तो है अजीत कुमार। आपके जो ग्रीवेंस डालेंगे तो आपके में नाम लिखा आएगा, आपके किस पीएफ ऑफिस गया है तो आपका यहाँ लिख जाएगा, रांची के पीएफ ऑफिस गया है, झारखंड वाले पीएफ ऑफिस में गया है। अब आपको यही पता होना चाहिए कि आपका पीएफ ऑफिस में कौन सा हैंडल कर रहा है। आपको अगर पता हो कि मेंबर आईडी में से कौन सा बंदा था जिसने आपका ग्रीवेंस के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री कर दी, आपको उसका एड्रेस पता होगा ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका किस पीएफ ऑफिस जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका पीएफ ऑफिस पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स का डाउट होगा कि रिप्लाई कितने दिन में आ जाएगा। देखो मोस्टली तो 72 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है, मगर वो डिपेंड करेगा आपके पीएफ ऑफिस में वर्कलोड के हिसाब से, उस पीएफ ऑफिस में कितने ग्रीवेंस जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 से 5 दिन में रिप्लाई आ जाता है, हफ्ते में आ जाएगा, मतलब जब भी आ जाए आपका रिप्लाई तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको यहाँ पे दिख रहा है रिव्यू, यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिख जाएगा कि आपका क्या रिप्लाई आ गया। फिर भी अगर उनको कोई डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आपको नंबर मिलेगा, इस नंबर पर आप कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। दूसरे के ग्रीवेंस के जो नंबर दिया होगा उस पर बात नहीं करेंगे, आपके नंबर खुद प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पर कॉल करेंगे। आप उसका अगर चाहें तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से आप अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका कोई भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देगा, हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों हम इस प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।